भ्रम में मत रहना। अरे डरा नहीं है चुप है हिंदू, किसी भ्रम में मत रहना। योगी मोदी ही आएंगे तुम देखते रहना, योगी मोदी ही आएंगे तुम देखते रहना। बरसाने के संतों ने लिखा है, अरे डरा नहीं है ऐसा ही है ना, हमारे भाई को बल मिलेगा आगे और जागृति। सबने इनको सम्मान दिया, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खूब यश कीर्ति फैल रही है और फैलेगी। लेकिन अभी भाई ने बोला कि जो जागे उनको क्या जगाना, सोए को जगाना है। आप लोग क्या दोगे इनको सम्मान में, क्या दोगे अपने भाई को? ये बल दे के भेजना, बहन भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध के भेजती है। मैं भी अपने भाई की कलाई पे ये बरसाने के संतों का रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। अभी दीदी ने बात करी राज्याभिषेक की। एक बच्चे की शादी हो जाए, पवन भाई साहब, एक बच्चे की शादी हो जाए, 10 साल उसकी शादी को हो जाए, तो उसकी घरवाली भी रोज ताना मारती है कि अपना खुद का घर कब होगा, मेरी रसोई कहाँ है, तुम्हारे छोटे भाई का कमरा कहाँ है। वो सीता भी 500 सालों तक राम को ताना देती होगी कि राम जब देश हमारा है तो तुम्हारा महल कहाँ है, मेरी रसोई कहाँ है। वो सीता कहती होगी कि राम त्रेता में तो हनुमान ने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया था, क्या कलयुग में होगा? तब राम जी भी कहते होंगे कि सीता चिंता मत कर, तब हनुमान आया था, अब नरेंद्र मोदी आ रहा है। प्रेमियों, ये बात राजनीतिक की नहीं है। सरहद पे फौजी खड़ा है वो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं खड़ा, वो अपने देश के लिए खड़ा है। उसी तरह दीदी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, राजू भाई बैठे हैं, हम अगर यहां किसी बात का समर्थन कर रहे हैं तो हम मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहे, उनके अंदर जो राम का तत्व है उसका समर्थन कर रहे। क्या कभी 70 सालों में देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो शिवलिंग के आगे आधे घंटे बैठकर उसकी पूजा करता हो, शेर की तरह हाथ में लोटा लिए काशी विश्वनाथ को सींचने जा रहा है? वो नरेंद्र मोदी नहीं जा रहा, वो कन्हैया मित्तल जा रहा है, वो खाटू में बैठे ये भगत जा रहे हैं। 6.5 किलोमीटर दूर जो गंगा जी थी काशी विश्वनाथ से, या तो वो भागीरथ लेकर आया गंगा जी को, या ये नरेंद्र मोदी लाए जो मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ के साथ गंगा जी को जोड़ दिया। योगी मोदी आए हैं अब साथ तुम देना, योगी मोदी आए हैं अब साथ तुम देना। अरे डरा नहीं है चुप है हिंदू, डरा नहीं है चुप है हिंदू, किसी भ्रम में मत रहना। योगी मोदी तो कहते हैं ना, ये जो कहते हैं योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारी सेटिंग करके जाएंगे।
फहराते रही अपनी संस्कृति की। जय श्री राम, जय श्री राम।